गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित सरोज स्मृति का कविता भाग अध्ययन किया था। इस वीडियो में उसे आगे देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, सरोज निराला की बेटी है। निराला की बेटी अकालिक बेटी का अकालिक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद निराला उसकी याद में, उसकी स्मृति में एक गीत लिखते हैं या कविता रचते हैं। तो यह हिंदी जो कविता जगत की एक लंबी कविता है, एक जो दीर्घ शोक गीत माना जाता है। तो यहाँ आगे देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हसी मंद। यहाँ पर कवि अपनी बेटी सरोज की शादी करते हैं। शादी के संदर्भ में अपनी बेटी के साथ जो बीता हुआ समय जो है, समय की वर्णना यहाँ पर कवि करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, जो ये शादी करते हैं अपनी बेटी की शादी, शादी एक तरह नवल नई रीति की शादी है। ना उसमें बाजे बजते हैं, ना उसमें बाराती आते हैं, ना उसमें मंत्र पढ़ने के लिए पंडित आते हैं, और जो मंगल गान जो कुछ भी, मतलब जो ट्रेडिशनली शादी होती है उस तरह की शादी उनकी नहीं है। इसीलिए लेखक कवि कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, आमूल बने आरंभ से अंत तक ये शादी जो है नई तरह की शादी है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तो उस शादी में तुझ पर कलश का मंगल, कलश का जल पड़ा। तो देखती मुझे तू हंसी मंद, तेरी शादी होते समय तूने मुझे मंद मंद हंसी के द्वारा देखती रही, मने मुस्कुराते मेरी ओर देखती रही। तू अपनी बेटी से संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, होंठों में बिजली फंसी स्पंद, तो तेरे होंठों में बिजली फंसी स्पंद, माने इस तरह की जो जिसकी चेहरा उस बेटी की होती है। उर्मे भर दिल में भर झूली छवि सुंदर, माने तुम्हारी छवि, सुंदर छवि जो है वह मेरे दिल में अब भी बसा हुआ है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मकर, प्रिय की, तो तुझे उस शादी के समय तुझे देखकर मुझे अपनी प्रियतमा, माने कवि अपनी पत्नी की याद करते हैं, पत्नी के साथ श्रृंगार मुखर, श्रृंगार पूर्ण समय जो बिताते हैं, उस समय को अशब्द माने व्यक्त नहीं कर पाते, उसकी वर्णना नहीं कर पाते। वर्णना ना करने वाले श्रृंगार समय की याद आती है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नयनों से आलोक उतर, नया प्रकाश उतर आने की तरह दिखता था तेरी इस तरह का श्रृंगारमयी जो वेशभूषा को देखकर। कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तुम्हारी इस तरह की मूर्ति जो है श्रृंगार से पूरित, तुम्हारी मूर्ति को देखने पर मेरे वसंत की प्रथम गीति, मेरे वसंत का प्रथम गीति माने गीता, गीत है ना, मतलब अपनी शादी अपनी पत्नी की याद करते हैं यहाँ कवि। मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, वह मेरी पत्नी, निराकार जो मेरी पत्नी
जो रही है उसकी याद यहाँ पर कवि करते हैं। मैंने अपनी 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 बेटी बेटी का श्रृंगार में जो जो रूप देखकर उनको अपनी पत्नी की याद आने लगती है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, मैंने उस संदर्भ में मेरे अपने स्वर्गीय प्रिया संग, स्वर्गीय माने उनकी उनकी अपनी पत्नी नहीं है, पत्नी का देहांत हो चुका है, देहांत अपनी जो पत्नी जो है, पत्नी के साथ मैंने जो गाया था, मैंने जो प्रथम वसंत गीत गाया था वह मुझे याद आने लगा। भरता प्राणों में राग रंग रति रूप प्राप्त कर रहा वही, उसी तरह की मेरी पत्नी की तरह तू तुम्हारा रूप दिखाई दे रहा है। आकाश बदल कर बना मही, आकाश बदल कर मान बना मही, आकाश बदल कर मही बनना, मही मतलब पृथ्वी बनना, हो गया ब्याह आत्मीय सृजन। मतलब कवि अपनी बेटी को, बेटी की जो श्रृंगार रूप वेशभूषा को देखकर कवि को अपनी पत्नी की याद आने लगती है, पत्नी को याद करते हैं। इस प्रकार जो उसकी बेटी का सौंदर्य शब्दों के जरिए जिस प्रकार वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ बिताया क्षण भी वह अपने शब्दों के साथ शब्दों से वे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं कवि। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। यहाँ पर बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी में कोई किसी तरह का आमंत्रण नहीं है, किसी तरह के आत्मीय स्वजन नहीं आते हैं, किसी तरह का आमंत्रण उनको नहीं दिया जाता। मतलब पहले ही बताया गया है, देखा विवाह आमूल नवल, एक नए तरह का विवाह है, नवल विवाह है, इसलिए कोई भी सगे संबंधी साथी नहीं उस विवाह में नहीं आते हैं। कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया तो किसी को आमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। विवाह राग बरहाना घर निशी दिवस जाग, क्योंकि शादी का माहौल जो होता है बहुत समय तक घर में रहता है, तो विवाह का माहौल निशी दिवस दिन रात मेरे घर में नहीं रहा, एक ही दिन में वह शादी समाप्त हो गई। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। मतलब उसकी माँ जो है उसकी सारी शिक्षा मैंने उसे दी थी, मतलब मैं अपनी बेटी के साथ पिता बनकर और उसकी माँ बनकर मैंने उसको सिखाया था। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, पुष्प सेज, पुष्प मैंने फूलों का, सेज सेज मैंने पलंग, फूलों का पलंग जो है मैंने ही उसको स्वयं रचाया था। सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य या अन्य कला, मैंने सोचा था कि वह मेरी शकुंतला है। जिस प्रकार शकुंतला को पाला पाल पोस कर बड़ा किया जाता है दुष्यंत, उसी तरह वह कभी अपनी बेटी को शकुंतला से भी बढ़कर उसका पालन पोषण करते हैं, मगर बस यहाँ पर पाठ ही अलग होता है, बेटी का अकालिक मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। तो घर में शादी के बाद कुछ दिन रहती है और उसके बाद वह चली जाती है। मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी का रहा प्यार, बर जलद धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। मतलब यहाँ जो लता जो पली हुई लता है, मतलब बेटी को लता के रूप में देखते हैं, यहाँ पर लगी हुई लता जो है वहाँ अपने मामा मामी के घर में वह लता खिलती है, फलती है, स्नेह से हिलती है, अंत भी उसी गोद में शरण ली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे दृगवर महामरण।
अंत में जिस गोद में वह अकेली थी वह उसी गोद में महामरण उसका मौत उसकी मृत्यु हो जाती। मुझ भाग्यहीन कि तू संभल, मुझ भाग्यहीन तू कि तू संभल, संभल माने आधार के रूप में, मैं भाग्यहीन था, भाग्यहीन माने बदनसीब वाला था, न तो दृष्टवंत। तो मुझ भाग्यहीन कि तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युग वर्ष इस तरह जो बीतते चले जाते हैं तो वह उसकी मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के शोक में कवि अपना समय बिताते हैं, उसका उल्लेख यहाँ किया जा, दुख ही जीवन की कथा रही, उसके मरण के मतलब जिसके गोद में वह खिली हुई थी उसी के मामा मामी के गोद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मूंदे दृगवर महामरण, मूंदे दृग, दृग माने आंखें, आंखों की जो जो आंखें जो है आंखें मूंद जाती है। मुझ भाग्यहीन की तो संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, तू मेरे भाग्यहीन के लिए संबल के रूप में आई थी मगर युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, अंत में मेरे लिए जीवन की कथा दुख ही रह गई, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मेरे जीवन की कथा दुख ही रह गई, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रापात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो, भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, गत कर्मों का अर्पण कर, करता में तेरा तर्पण। तो अंतकाल में उसका तर्पण दिया जाता है, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, गत माने बीते हुए कर्मों का अर्पण करते हुए मैं तेरे लिए तर्पण देता हूँ और मैं तुम्हारी याद में इस तरह में दिन बिताता हूँ। इस प्रकार कवि यहाँ पर अपनी बेटी सरोज जो है, सरोज की स्मृति में अपने दुख दर्द याद और अपनी मन की भावनाएं जो होती हैं उनसे भी भावनाओं को यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं। तो मित्रों, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित लंबी कविता जो है, कविता का अंत जो यहाँ पर मतलब समाप्त, कविता का पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में दूसरा विषय देखेंगे। आप सभी को एक सूचना है, उसका आपको पालन करना चाहिए। जैसे कि हर शनिवार को 5 बजे से 6 बजे तक आपके लिए हमारी ओर से एक गेस्ट लेक्चर होगा। इस गेस्ट लेक्चर देने के लिए जो हिंदी जगत के नामी जैसे कि साहित्यकार, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटक, अलग अलग क्षेत्र के लोग हर हफ्ते 1 घंटे हमारे साथ मिलते हैं। उनका जो व्याख्यान हम चलाते हैं ये नेशनल लेवल होता है, तो आप सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। मैं इसमें उसका लिंक शेयर करता हूँ, मैडम भी लिंक शेयर करेंगी, तो गूगल मीट पर ही होगा। तो आपको इसमें गूगल मीट पर आपको, क्योंकि पिछले हफ्ते इसी कविता के बारे में एक व्याख्यान हुआ था, उसी तरह के अलग अलग विषयों पर, कविता, नाटक, उपन्यास, इस तरह के अलग अलग विषयों पर क्या है व्याख्यान माने गेस्ट लेक्चर होते हैं, तो उसमें आपको जुड़ना चाहिए। उसका लिंक आपको इसमें मैं देता हूँ, गंगा खावेरी व्याख्यान माला। तो यह हर हफ्ते सैटरडे
5 to 6 होता है, आप सभी को जुड़ना है। धन्यवाद, टेक केयर।